हेलो एवरीवन वेलकम टू दी चैनल सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डीएनएस लाइक व्हाट इज डीएनएस हाउ डीएनएस वर्क्स हाउ वी कैन यूज डीएनएस एनुमेशन इन अवर बगे प्रोग्राम्स सो डीएनएस मीन्स नेम सिस्टम और नेम सर्विस जो कि एक नेमिंग डेटाबेस है जिसके हेल्प से हम नेम से आईपी में आई आईपी से नेम में कन्वर्जेशन पॉसिबल होता है लाइक रिवर्स डीएनएस अप एंड सो सो क्योंकि कंप्यूटर और इंटरनेट जो भी वर्क करता है वो आईपी पे पे और जो बाइनरी नंबर्स में वर्क कर सकता है और उनकी लैंग्वेज में समझ सकते हैं बट ह्यूमन रीडेबल के लिए या ह्यूमन जो हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं होता कि हमारे जो टारगेट्स है उनके हम आई याद रख सकें सभी टारगेट्स की सो so, इसलिए हम जैसे गूगल डॉट कॉम ट्विटर डॉट कॉम वो ईज़िल याद रखा जा सकता है सो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि डी वर्क कैसे करता है सो so, हम प्रैक्टिकल में समझेंगे बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम समझेंगे कि डीन जोन ट्रांसफर क्या होता है डी एन के थ्रू हम कैसे सब डोमेन फाइन कर सकते हैं या जो इफॉर्मेशन लीक हो रही है वो कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं सो so, या काली में कुछ प्री इंस्टॉल्स टूल्स होते हैं लाइक होस्ट डी आई जी एन लुकअप इसके थ्रू हम डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे लाइक like होस्ट के थ्रू हम आईपी कनेक्ट आईपी कलेक्ट कर सकते हैं एंड डी के थ्रू हम डिफरेंट डिफरेंट नमिंग सारे यूज कर सकते हैं सो फर्स्ट है होस्ट एंड इंडिया पे मैंने यूज़ किया है गूगल डॉट कॉम एज ए टारगेट सो आप देख सकते हमें आई पी आसाइन हो गई है एंड सेम डी आई जी एंड गूगल डॉट कॉम सो आप क्या कंपेयर कर सकते हो जो आई पी है असाइन हुई है वो सेम है सो so, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में चेक किया था हुईज हुईज हुई के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कौन कौन डोमेन रजिस्ट्रार है कौन ओनर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सो तो आप देख सकते हैं आईपी के थ्रू भी मैं चेक कर सकता हूँ कि गूगल के थ्रू लाइक उसका गूगल उसका ओनर है सो तो क्योंकि यहाँ सिंगल आईपी पे मल्टीपल सर्वर होस्टेड हो सकते हैं जो कि एक वर्चुअल होस्टिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है सो तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डी एन जोन ट्रांसफर वर्चुअल होस्टिंग कैसे उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं सो तो फाइव फिफ्टी एन एस सो so, या हम देख सकते हैं या फोर्स के नेमिंग सर्वर्स है उस नेमिंग सर्वर्स के थ्रू हम चेक करेंगे कि कैसे कैसे और इनकी जो आई पीज़ है उनके थ्रू हम वर्चुअल होस्टिंग काउंट करेंगे या जोन ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसको जो एन एस वन है जिसको हम प्राइमरी जोन ट्रांसफर जो प्राइमरी जोन बोलते हैं इसके थ्रू हम डिफरेंट नेमिंग सर्वर में डेटा ट्रांसफ़र करेंगे सो so, या कुछ वेबसाइट्स होती है जिसके थ्रू भी हम डी का जो एक्सप्लेन है वो भी देखेंगे क्योंकि जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं सो so यह फर्स्ट वेबसाइट है हाउ डी एन एस वर्कस एंड सेकेंड में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कैसे वर्क करता है तो जब यूज़र ब्राउज़र में किसी डोमेन को सर्च करता है तो वो सर्च करने के बाद में वो कैसे वर्क प्रोसेस होता है वो एक्सप्लेन करूंगा मैं इसके अंदर जिसमें पे ब्राउजर में सपोज आपने टारगेट डॉट कॉम किया या ट्विटर डॉट कॉम किया तो वो ब्राउज़र से वो कहाँ जाता है वो कैसे आई पी कन्वर्ट करता है वो कैसे कहाँ से वो आई पी उसे असाइन होती है और आई पी से आइडेंटिफाई करके वो हमें वेबसाइट एक्सेस करता है तो जो डी एन एस लुकअप है उसके कुछ स्टेप्स है जो कि इस वेबसाइट में इजीली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जांपल के थ्रू जो हम देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्ट रीडिंग सो फर्स्ट वेबसाइट हमारे लिए अननोन है जो इस वेबसाइट जो यूज़र ने वेबसाइट एंटर की है वो डी एन एस सिंपल डॉट कॉम है तो so, सबसे पहले यहाँ पे वो ब्राउजर कैश के पास जाएगा ब्राउजर कैसे सो so, ब्राउजर के पास उसकी आईपी पी आसाइन सो so, आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है सो so, उसके बाद में वो जाता है ओएस के पास ओएस के पास भी कैश होता है तो so, वो चेक करता है बट उसके पास भी उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है सो so, वो फर्दर आगे जाने के लिए बात करता है सो नेक्स्ट एपिसोड है सो नेक्स्ट रोड ट्रिप तो अब आती है बात रिजोल्वर जो रिकर्सव uh, रिजोल्वर होता है जो कि हम बोल सकते हैं अपना आईएसपी जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वहाँ जाता है वहाँ पे हमारे पास जाने के बाद में वो चेक करता है कि उसके पास इंफॉर्मेशन है या नहीं है अगर उसके पास इंफॉर्मेशन है तो वो आपको इंफॉर्मेश जो आपको वेबसाइट है वो एक्सेस होने में हेल्प कर देगा अदरवाइज वो आपके रूट डोमेन जो रूट रूट सर्वर है उसके पास सेंड कर देगा वो क्वेरी को तो फिर कुछ होता है जैसे कि एग्जाम्पल डॉट कॉम सो जो डॉट लास्ट में आता है उसके थ्रू वो रूट सर्वर के पास रिक्वेस्ट जाती है क्योंकि रूट सर्वर के पास सारी इंफॉर्मेश्स प्रजेंट होती है जैसे कि यहाँ से उसने रूट सर्वर के पास भेज दिया है रिक्वेस्ट एंड रूट सर्वर के बाद में वो चेक करता है कि उसके पास डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन है ही नहीं है क्योंकि रूट सर्वर के पास ये टॉप लेवल डोमेन प्रेजेंट होते हैं लाइक डॉट कॉम डॉट ओ आर जी डॉट नेट ये टॉप टॉप लेवल डोमेन्स होते हैं टी एल डी उसके थ्रू वो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है जैसे कि आपने सर्च क्या किया है एग्जाम लेट सपोज एग्जाम्पल डॉट कॉम गवर्नमेंट डॉट ओ आर जी तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से हेराकी में जाके आपकी इन्फॉमेसन मिल सकती है कौन से रजिस्ट्रार के पास आपकी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है सो so, रूट के बाद में वो जाता है टी एल डी के पास सो नेक्स्ट सो यार डिफरेंट डिफरेंट्स है वो कम uh, आपकी कंट्री पे भी डिपेंड करता है जैसे अपना जो जेनरिक है वो जो डॉट नए डॉट ओ आर जी ई डी यू डॉट एन आई सॉरी आई एन सो इसके थ्रू आपको जो टी एल डी है उसके थ्रू आपकी हेरान और रजिस्ट्रार मिलते हैं दैन बात आती है ने, नेम सर्वर जो एन एस एन एस वन एन एस टू इनकी बात आती है जो कि हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर इनके थ्रू हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है इन दैन हमें हमें आई पी एस एन होती है जैसे कि तो फिफ्थ एपिसोड है रेस्पेक्ट माई अथॉरिटी तो इसके थ्रू जो टॉप जो डॉट कॉम है जो टी एल डी है इसके बाद में आता है नेमिंग सर्वर नेमिंग सर्वर में आप शो किया हुआ है कि डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग सर्वर होते हैं वो क्यों यूज़ कर रहे हैं क्योंकि लट सपोज एक एक नेमिंग जो नेमिंग सर्वर से वो क्रेश हो जाए तो दूसरा उसके लिए प्रिपेयर है और उसको बेकअप के लिए यूज़ कर सकते हैं इसके थ्रू हमें आई पी आसाइन हो जाती है एंड हम एक्सेस कर सकते हैं तो सेम सेकंड वेबसाइट में भी आपको इजीली एक्सप्लेन किया हुआ कि आपकी क्वेरी कहाँ जाती है इसके बाद में रूट सर्वर रूट सर्वर के बाद रूट सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताएगी कि थर्टीन और फोर्टीन समथिंग वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट होते हैं और फिर वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग आता है कि फिजिकल सर्वर वो कैसे प्रोवाइड करवाते हैं फिर टीएलडी टीएलडी के बाद में जो नेम सर्वर है जो आ, नेम सर्वर सर लाइक एन एस वन एन एस टू जो प्राइमरी सेकेंडरी सर्वर के थ्रू हमें आई पी एस एन हो जाती है एंड हमें वेबसाइट एक्सेस हो जाती है सो so, इस ऐसे हम कुछ फाइव स्टेप्स फाइव टू सिक्स स्टेप्स है जिसके थ्रू डी एन एस वर्क करता है और कैसे आई पी आइडेंटिफाई करता है सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डी एन एस के थ्रू जो इसका वर्किंग है अगर वो कॉन्फिगर सही नहीं है तो उसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो लीक हो रही है वो इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं